फीफा वर्ल्ड कप में हुई तालिबान की एंट्री। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। कतर ने फीफा वर्ल्ड कप की जिम्मेदारी जो है वो तालिबान को सौंप दी है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तालिबान को किसी गेम के साथ लिंक करना या किसी गेम की जिम्मेदारी सौंपना एक छोटी बात नहीं है। जैसे ये फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है तब से किसी न किसी टॉपिक के ऊपर ये सुर्खियों में आ रहा है। जैसे कि जाकिर नायक को कतर ने इनवाइट कर लिया जिससे कई देश नाराज हो गए। उसके बाद वहां पर ऑलमोस्ट 200 प्रीचर्स को बुलाया है, मौलानास को बुलाया है, जो कि लोगों को दीन की दावत दे रहे हैं, जो कि लोगों को पसंद नहीं आ रहा। तो काफी देश हैं जो कतर से नाराज भी हैं, काफी देश हैं जो कह रहे हैं कि फीफा वर्ल्ड कप से बायकॉट करना चाहिए उन्हें। तो ऐसे कतर जो है वो सुर्खियों में बना हुआ है। तो अब एक नई न्यूज सामने आई है जिसमें तालिबान का नाम फीफा वर्ल्ड कप के साथ जुड़ रहा है। ये न्यूज सामने आ रही है कि तालिबान की एंट्री हुई है कतर में। तो वो क्या है एग्जैक्टली न्यूज़? तो आज की जो हमारी वीडियो है वो पर्पल न्यूज़ क्या है, इसमें हमें पता चलेगा कि तालिबान का क्या लिंक है फीफा वर्ल्ड कप के साथ में, क्योंकि तालिबान का डायरेक्टली किसी गेम के साथ जुड़े होना कोई छोटी बात नहीं है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें तालिबान का क्या रोल है फीफा वर्ल्ड कप के साथ। आदाब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पलपल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कतर फीफा वर्ल्ड कप में संघियों का दर्द खत्म क्यों नहीं हो पा रहा है, इसके बारे में तमाम चीजें जो हैं एक एक कर सामने आती जा रही हैं। जहां कतर पहले ही इस फीफा वर्ल्ड कप के दौरान अपने फैसलों से दुनिया भर के लोगों को हैरान कर रहा है, और जब दुनिया भर के लोग हैरान हैं तो कतर की तमाम तरीके से बुराइयां शुरू हो गई हैं, जो कि इजरायली मीडिया कर रहा है, जो कि ब्रिटिश मीडिया लगातार बुराइयां करने पर तुला हुआ है, तो वहीं अमेरिकन मीडिया भी लगातार कतर की बुराइयां करते हुए देखा जा सकता है। तो वहीं अगर बात की जाए भारतीय संघी मीडिया की, तो वो भी कहीं ना कहीं बहती गंगा में हाथ धोता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां कतर ने ये क्यों किया, कतर ने ऐसा क्यों कर दिया, कतर ने जाकिर नायक को क्यों बुला लिया, ये संघी मीडिया का दर्द जो है वो लगातार देखने को मिला। पर अब ऐसी खबर सामने आ गई है जिसे ब्रिटिश मीडिया के खुलासे से हड़कंप मच गया है और संघी मीडिया को राशन पानी लेकर के चढ़ने का मौका खास तौर पर कतरी सरकार पर पड़ चुका है, जो कि यह साफ तौर पर देखा जा रहा है कि हक्कानी नेटवर्क, जी हां हक्कानी नेटवर्क यानी कि तालिबान को बड़ी जिम्मेदारी कतर ने इस फीफा वर्ल्ड कप के दौरान सौंपी है। और कतर के फॉरेन मिनिस्टर, कतर के तमाम आला अधिकारी इस मीटिंग के लिए पहले ही ये डील फीफा वर्ल्ड कप में तालिबान सरकार से कर चुके हैं। और जब तालिबान सरकार से ये डील कर ली तो हक्कानी नेटवर्क ने वो कर दिखाया है कतर फीफा वर्ल्ड कप में जो शायद ही कोई कर पाया हो। और बड़ी जिम्मेदारी जो है सौंपी गई है कतर सरकार द्वारा हक्कानी नेटवर्क को। एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। ब्रिटिश मीडिया ने कतर में जारी फुटबॉल वर्ल्ड कप से जुड़ा एक बड़ा खुलासा कर दिया है जिससे खलबली मच चुकी है। अखबार द टेलीग्राफ की तरफ से आई एक खास रिपोर्ट में ये कहा गया है कि कतर के जिन स्टेडियमों में वर्ल्ड कप के मैच आयोजित हो रहे हैं उनके निर्माण में तालिबान की मदद ली गई है। अब तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज है, तालिबान ने इन स्टेडियमों के एवज में लाखों डॉलर भी कमाए हैं। अखबार के मुताबिक शांति वार्ता से जुड़े कई सीनियर तालिबान नेताओं को टूर्नामेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए मशीनरी मुहैया कराने के बदले भारी भरकम रकम अदा की गई है। अखबार ने दोहा में स्थित तालिबान के ऑफिस के हवाले से यह जानकारी दी है कि तालिबान के नेतृत्व का एक बड़ा धड़ा दोहा में हो रहे कतर की राजधानी से साल 2013 से ही ये नेता यहाँ पर रह रहे थे। ये वो नेता हैं जिन पर अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएन के साथ शांति वार्ता को चलाने और इसे अंजाम तक ले जाने का जिम्मा दिया गया था।
सूत्रों के हवाले से टेलीग्राफ ने लिखा है कि तालिबान के कुछ सदस्यों के पास भारी मशीनरी के 6 से 10 पीसेस थे और हर मशीनरी के लिए उन्होंने 10,000 पाउंड से ज्यादा तक वसूले हैं। तालिबान के 2 सूत्रों से जो जानकारी मिली है उससे पता चलता है कि कैसे शांति वार्ता के दौरान इन अधिकारियों को आकर्षक भत्ते दिए गए थे ताकि वो दोहा में रह सके, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। माना जा रहा है कि कतर अथॉरिटीज ने अमेरिका और यूएन की मंजूरी के बाद तालिबान के ऑफिस में मौजूदा सदस्यों को पेमेंट किया। हर महीने इन अधिकारियों को भत्ता दिया जाता रहा था जो कि 1,000 पाउंड में होता था। ये भत्ते उस शांति वार्ता के तहत दिए जा रहे थे जो पश्चिम देशों के साथ लगातार जारी थी। जो ऑफिस दौरे पर होता उसे महंगी SUV, मुफ्त हेल्थ केयर जैसी सुविधाएं दी जाती थी, साथ ही रोजाना खाना भी फ्री में दिया जाता रहा था। टेलीग्राफ की माने तो शुरुआत में ये रकम कैश में दी जा रही थी, लेकिन बाद में इसे तालिबान के अधिकारियों के बैंक अकाउंट्स में सीधा ट्रांसफर किया जाने लगा। इस तरह से अमेरिका और कतर के लिए ये पता लगाना मुश्किल हो गया था कि इस रकम को कैसे और कहां खर्च किया जा रहा है। कतर का दावा है कि हर महीने जो पेमेंट दी जा रही थी उस पर अमेरिका के साथ मिलकर नजर रखी जा रही थी। इस बात की कोई जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है कि निर्माण कार्यों में कोई हेराफेरी हुई है या नहीं हुई है। दोहा में कई सूत्रों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि तालिबान का एक बिचौलिया हाजी अहमद जान ने उन मशीनों की लीज नजर रखी है जिन्हें वर्ल्ड कप स्टेडियम और बाकी निर्माण कार्यों के लिए प्रयोग किया जाना था। हाजी अहमद साल 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान का पेट्रोलियम मंत्री था। किसी से छिपा नहीं, राज दोहा में एक पूर्व सीनियर अफगान राजनयिक ने कहा कि ये बात किसी से छिपी नहीं कि तालिबान की वार्ता वाली टीम और राजनीतिक ऑफिस जो दोहा में है उसे कतर के शासन की तरफ से काफी अच्छी रकम मिली है, जो कि इंग्लिश मीडिया ये लगातार दावा करता हुआ दिखाई दिया। इस बार तालिबान के अधिकारियों ने इन सैलरीज को वर्ल्ड कप के निर्माण कार्यों में निवेश कर दिया है। इस पूर्व राजनयिक के मुताबिक तालिबान के हक्कानी नेटवर्क का प्रयोग दूसरे अरब देशों में मौजूद अफगान नागरिकों से पैसा जुटाने और डोनेशन हासिल करने में किया गया है। इस पैसे को कतर ने वर्ल्ड कप के प्रोजेक्ट्स में निवेश किया है, जो कि दावा किया गया ब्रिटिश मीडिया द्वारा। तालिबान का इस तरह से वर्ल्ड कप के निर्माण कार्यों में शामिल होना तो गलत है और ना ही गैर कानूनी है, लेकिन अब मजदूरों के शोषण को लेकर जो विवाद हुआ था उस पर विवाद गहरा गया है। बताया जा रहा है कि कतर में स्टेडियम और इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों में लगे 6,000 अप्रवासी मजदूरों की मौत हो गई थी। हालांकि कतर की सरकार ने इन आरोपों से सिरे से इनकार कर दिया था, क्योंकि यह दावा ब्रिटिश मीडिया द्वारा किया गया है। अब जब कतर फीफा वर्ल्ड कप में तालिबान की एंट्री हो चुकी है तो संघी मीडिया जो कि भारतीय मीडिया है वो भी खुल करके कतर के खिलाफ जहर उगलता हुआ दिखाई दे रहा है और कतर के आंतरिक मामले में वो लोग टांग अड़ा रहे हैं जो अपने ही देश के आंतरिक मामले पर मुंह खोलने से बचते हैं। जो कि तस्वीरें लोगों के सामने हैं और किस तरीके से तालिबान की एंट्री से फीफा वर्ल्ड कप में खलबली मचेगी ये आने वाले समय की तस्वीरें तय करेंगी। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया। वाकई तालिबान की एंट्री होना फीफा वर्ल्ड कप में कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि
बाकी सारे देश ऑलरेडी नाराज चल रहे हैं कतर के साथ में, कई देश हैं जो नाराज चल रहे हैं, तो ऐसी न्यूज जब सामने आएगी तो बाकी सारे देश और ज्यादा कतर के अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे और उसके अगेंस्ट में जहर उगलेंगे। आप लोग बताइए आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट कीजिए, जरूर लिखिएगा कि आपका क्या ख्याल है इस बारे में। और आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।